बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज सीखने वाले हैं जो कि होता है प्लांटिंग अ सैपलिंग, यानी कि हम एक पौधे को लगाना सीखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी स्टेप है अगर आप गार्डनिंग के फील्ड में कदम रख रहे हैं तो, क्योंकि बहुत सारी गलतियां यहीं से होती है। लोग अच्छे से समझते नहीं है, जानते नहीं कि पौधे को कैसा लगाया जाए, उस कारण वो बहुत ज्यादा गलतियां कर देते हैं जिससे कि उनका प्लांट जल्दी 1 से 2 महीनों में क्या होता है, सूख जाता है। तो आज हम लोग सबसे पहले बेसिक चीजें जानेंगे कि हमको क्या क्या चीजें चाहिए हमें जब पौधा प्लांट करते हैं तब। सबसे पहले तो आपको एक अच्छा सा सैपलिंग चाहिए होगा। देखिए सबसे मेन चीजें जो होती है कि आप एक अच्छा सैपलिंग कैसे चुन सकते हैं, आप सबसे पहले देखिएगा कि उसके तने को, यानी कि उसकी जो मेन स्टेम है उसको देखिएगा कि ये जो होना चाहिए बहुत ज्यादा हेल्दी होना चाहिए, कोई कटिंग ना लगा हो इसमें, किसी प्रकार का कोई फंगस का इन्फेक्शन ना हो इसमें, और ये कहीं से टूटा वगैरह भी ना हो। उसका जवाब आओगे तो इधर देखना, ये जो है ये बहुत ही अच्छा, आप जो देख रहे हैं इसमें लीव्स है, ये मैंने मीठे नीम की क्या बोलते हैं पौधा लिया है। ये मैंने इसलिए अभी चूज किया है क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, लेकिन ये जो मीठा नीम का है ये गर्मी इसके लिए ग्रोइंग सीजन होता है तो इस टाइम पे ये काफी अच्छे से फ्लरिश करेगा। अब ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे इसमें लीव्स हैं, साथ ही हम ये देख सकते हैं कि इसमें न्यू लीव्स भी आ रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी चीज है। और आप मिट्टी भी देख लीजिएगा कहीं बहुत ज्यादा पुरानी तो नहीं है या इसमें फंगस वगैरह तो नहीं है, आप समझ सकते हैं, ठीक है, नर्सरी से लाया गया एक पौधा है मेरा बहुत अच्छा। अब उसके बाद हम देखेंगे कि इसको प्लांट किसमें करना है, यानी कि पॉट हम देखेंगे। अब क्योंकि मीठा नीम का पौधा जो होता है ये एक बड़ा पेड़ भी बन सकता है और इसको अगर आप छोटा रखें तो ये छोटा भी हो सकता है बेस्ड ऑन द साइज कि आप इसको कितना ज्यादा स्पेस दे रहे हैं। अब जैसे कि मेरे पास ये छोटा है और हम लोग आजकल सिटीज में जो क्या बोलते हैं घर वगैरह होते हैं उनके पास उतना ज्यादा स्पेस नहीं होता, कई लोग अपार्टमेंट में भी रहते हैं तो उनके पास उतना ज्यादा स्पेस नहीं होता, तो वो कोशिश करते हैं कि वो पॉट में ही क्या करें इसको ग्रो करें। तो इतने बड़े पॉट के लिए स्टार्टिंग के लिए हमको ये देखिए आप एक सीमेंट का पौधा क्या बोलते हैं पॉट है, ये एक 14 इंचेस का पॉट है जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। अब देखिए हमने बीच में क्या किया है, इसके होल भी किया हुआ है। किसी भी पॉट के लिए इसका ड्रेनेज होल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि अगर ये ड्रेनेज होल इसमें नहीं रहेगा तो पानी क्या हो जाएगा इसमें जमा होते जाएगा और फिर क्या करेगा प्लांट के रूट्स को सड़ा देगा जो कि हमारे प्लांट को बहुत जल्दी क्या कर देगा मार देगा। अब इसके लिए आप कोई भी ये बड़ा सा पत्थर, क्योंकि इसमें एक होल है तो आप ये बड़ा सा पत्थर इसको कवर कर सकते हैं, एकदम भी कवर मत करिएगा कि कहीं इसमें से जो है पानी वगैरह ना निकल पाए या पानी रेस्ट ना पाए। अब उसके बाद हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है मिट्टी। बहुत सारे अब जो व्यूवर्स हैं उनको पता होगा कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा बताते हुए कि भाई जो मिट्टी है आप गार्डन सॉइल लें फिर बजरी लें फिर उसमें खाद डालें। देखिए मैं एकदम सिंपल सी चीज बता रहा हूँ कि आप तो भाई हम लोग सिटी में रहते हैं, कई लोग मेट्रो सिटीज में भी रह सकते हैं, कई लोग बहुत सारी दूसरी जगह भी रह सकते हैं जिनको अलग अलग चीजें मिलना बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं मुश्किल होता है। तो आप क्या करिए सबसे सिंपल सी चीज कि आप नर्सरी ही जाइए, वहां से ही क्या करिएगा एक मिट्टी लेके आइए बोरी का, वो बहुत ही अच्छी मिट्टी देते हैं जिसमें पहले से क्या होता है भूसा बजरी रेत वगैरह मिली होती है। किसी भी मिट्टी की पहचान करने के लिए आपको सबसे बेस्ट होता है कि ये मिट्टी जो होनी चाहिए वो भुरभुरी होनी चाहिए, वो एकदम चिपकी नहीं होनी चाहिए। जैसे ये देखिए ये भुरभुरी है, ये काफी अच्छी है, अगर चिपकी होगी तो रूट्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, रूट्स उसमें आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अब देखिए ये काफी भुरभुरी है, अगर आपको लगता है कि आपकी मिट्टी भुरभुरी नहीं है काफी ज्यादा चिपकी हुई है तो बेहतर होगा आप इसमें क्या डाल दीजिए, इसमें आप भूसा डाल सकते हैं, काफी सारा भूसा इतना डालिए कि आपको दिखे वो जितनी क्वांटिटी मिट्टी की दिख रही है उतनी ज्यादा क्वांटिटी आप किसकी देखिए भूसे की भी देखिए, या तो अगर आपको भूसा नहीं मिल पा रहा है तो आप इसमें रेती भी डाल सकते हैं ये, और इसमें आप थोड़ा सा खाद डाल दीजिए। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है कि जब हम एक नया प्लांट लगाते हैं तो उसमें बहुत सारा खाद हमको नहीं डालना है क्योंकि प्लांट अभी नया है, एक बच्चा है, उसके लिए आप इतनी सारी न्यूट्रिशन बहुत सारी दे देंगे तो वो मर भी सकता है जल भी सकता है, थोड़ा सा इसमें डालिए ताकि इस जो मिट्टी की न्यूट्रिशियस जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अब हम लोग देखते हैं कि हमें और दूसरे दूसरे क्या इक्विपमेंट चाहिए। एक तो ये खाद है, ये एक ऑर्गेनिक खाद है, एक चीज मैं बता दूं कोई भी खाद प्योरली ऑर्गेनिक नहीं होता है, कोई भी कंपनी जो होती है वो प्योरली 100% ऑर्गेनिक खाद नहीं बनाती, इसमें थोड़ा मोड़ा केमिकल फर्टिलाइजर भी मिला होता है बट बेहतर होगा कि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही यूज करें क्योंकि ये प्लांट को हीट बहुत कम करता है। अब कुछ जरूरी नहीं है कि आप एकदम गार्डनिंग प्रोफेशनल टूल्स ही यूज करें प्लांट करने के लिए, मैं बहुत ही जुगाड़ वाला इंसान हूँ और मैंने बहुत ही घर की चीजों से क्या किया गार्डनिंग शुरू किया है और घर की चीजें यूज करता हूँ, जैसे कि ये एक स्क्रू ड्राइवर, अब हर दिन तो हमारे यहाँ कोई स्क्रू ढीला होता नहीं जो हमको टाइट करना है तो ये पड़ा रहता है खाली, ये हमको यूज करना है ताकि हम मिट्टी खोद सके। और ये देखिए ये घर में हमारे पेंट वगैरह होता है दोस्तों पुट्टी वगैरह करने के लिए इसको यूज किया था, ये पड़ा हुआ था मैंने इसको यूज कर लिया ताकि मैं इसको उठा उठा के इसमें डाल सकूं। और अगर आपका प्लांट थोड़ा कमजोर है तो आप उसको सपोर्ट देने के लिए एक स्टिक भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम
प्लांट को क्या बोलते हैं, अब प्लांट को हम लोग इसमें डालेंगे। तो चलिए हम इस पौधे को अब लगाना शुरू करते हैं। मिट्टी आप फाड़ लीजिएगा। अब देखिए, एक जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो बहुत कम लोग बताएंगे, या हो सकता है काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा, अगर पौधा बहुत ज़्यादा मजबूत है जैसे स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं तो आप इसमें से ये मिट्टी नहीं क्लियर करेंगे तो भी चलेगा, बट जनरली क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है उसको जो मिट्टी पकड़ के बैठ रही, क्योंकि नर्सरीज में काफ़ी दिनों से क्या बोलते हैं ये पौधा पड़ा रहता है, जिससे कि नीचे की चीज़ें जम जाती है। अगर आप इसको फ्री कर देते हैं तो रूट्स क्या हो जाती हैं, फ्री हो जाती हैं। आप क्या कर लीजिए, इसको तोड़ लीजिए, ये क्या हो जाएगा, फिर फ्री हो जाएगा। देख लीजिए मैं कैसे तोड़ रहा हूँ, एकदम भी ज़्यादा मत तोड़िए, क्योंकि इसको मेन रूट्स को क्या बोलते हैं डैमेज ना हो जाए। ये देखिए फ्री हो गई ये भी रूट्स, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें मिट्टी भरना चालू करते हैं। इसे मैंने इतने बड़े इसमें लगभग 2 मुट्ठी फर्टिलाइज़र मिलाया है, ज़्यादा नहीं मिलाना है हमको, क्योंकि मैंने बताया आपको कि उससे प्लांट जो है वो जल सकता है, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्मी पहुँचाता है, और अभी गर्मी का मौसम है तो ऑलरेडी बाहर भी इतनी गर्मी है, फिर मिट्टी में इतनी गर्मी हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, हमारा पौधा जल सकता है। ये देखिए, ये मैंने एक लेवल तक क्या किया, इसको भर लिया। अब मैं इस पौधे को लूँगा और इसमें पहले चेक करूँगा कि ये कहाँ तक जा रहा है। याद रखिएगा कि हमको गमले में ऑलरेडी कम से कम 1 से 1.5 इंच छोड़ना है, ताकि उसमें पानी डालें या फर्टिलाइज़र डालें फ्यूचर में, तो क्या हो, मिट्टी बाहर ना गिरे। और साथ ही साथ ये जो होना चाहिए, कम से कम इतने ऊपर तक आपको मिट्टी भरना है इसमें, इससे क्या होगा ये बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा। ठीक है, समझ रहा है आपको। तो चलिए देखते हैं, हम लोग थोड़ी सी और मिट्टी डाल देते हैं। उसके ये कर लिया मैंने। जनरली एक और गलती जो करते हैं लोग, क्या करते हैं वो इस मिट्टी को ऐसे दबा देते हैं, जो कि हमको नहीं करना है, वो चिपका देगा इसको। ठीक है, आप कोशिश करिएगा कि आप करिएगा मत कि ये दबे ना, आप डायरेक्ट इसको डालिए। ये मैंने डाला, थोड़ा सा क्या किए, इसको भी आप अगल बगल से फोड़ दीजिए, इससे अगल बगल की जो रूट्स होंगी उसको भी निकलने में काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, फ़ायदा होगा। चलिए इसको हम लोग फिल करते हैं। अगर आपको आपकी मिट्टी में केचुए मिल रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि केचुए जो होते हैं वो आपकी मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा क्या बना देते हैं, हेल्दी बना देते हैं। तो जितने ज़्यादा केचुए उतनी ज़्यादा आपकी मिट्टी बहुत ही अच्छी होगी। अब ये देखिए, अब मैं इस टाइम पे इसमें ऑलमोस्ट 1 मुट्ठी क्या डाल रहा हूँ, फर्टिलाइज़र डाल रहा हूँ, ये मैंने डाल दिया। अब उसके बाद वापस इसको हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। अगर बड़े बड़े पत्थर या इस टाइप के पत्थर आते हैं तो इनको आप क्या कोशिश करिएगा, हटा दीजिएगा, ये रूट्स को बढ़ने में ब्लॉक कर देते हैं। लीजिए ये हमने भर लिया। अब क्या करना है, इसको दबाना है, प्रेस करना है। अगर ये प्लास्टिक का गमला होता तो मैं इसको उठा के ऐसे दो बार पटकता, लेकिन क्योंकि ये सीमेंट का है और ये टूटने की क्या बोलते हैं इसमें संभावनाएं होती है ज़्यादा पटकने से, तो मैं इसको ऐसे नहीं करूँगा, मैं इसको करूँगा दबाऊँगा। देख सकते हैं हम लोग, ये भी काफ़ी हद तक हमारा क्या बोलते हैं मजबूत हो गया है, और हवा वगैरह में ये स्टैंड कर लेगा। अब हमको क्या करना है, इसको डायरेक्टली पहले तो हमको पानी डालना है, पानी इतना डालिए कि नीचे से ड्रेनेज होल से पानी निकलते हुए आपको दिखे, पानी आप इतना डालिएगा, क्योंकि ये सीमेंट का पॉट है तो थोड़ा सा पानी सोखता भी है, तो ये गीला होते भी दिखाई देना चाहिए आपको और थोड़ा सा निकलते हुए भी आपको दिखाई देना चाहिए। अब आपको एक चीज़ और करनी है कि इसको, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप इसको डायरेक्टली बाहर नहीं निकाल सकते, थोड़ी सी गर्मी अगर कम होती तो हम इसको डायरेक्टली बाहर निकाल सकते थे, लेकिन क्योंकि हमने इसे अभी भी प्लांट किया है, आप कोशिश करिए इसको किसी सेमी शेड में या थोड़े से शेड वाले जगह में आप करिए इसको लगा दीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, पानी डालेंगे। अभी इसमें पानी डालेंगे, पानी डालने का भी एक तरीका होता है, आप एकदम से पानी मत डालिए, नहीं तो वो क्या करेगा, यहाँ पर ये मिट्टी को बाहर फेंक देगा। आप हल्का हल्का साइड से देख रहे हैं आप, इससे क्या होगा, नीचे रूट्स तक क्या होगा पानी।
तो आप देख सकते हैं पानी में डाला है और यहाँ ड्रेनेज से भी पानी निकल रहा है, इसका मतलब पूरी तरीके से क्या हुआ, मिट्टी में पानी पहुँच गया। अब आप इसको चाहें तो कल या परसों एक दिन दो दिन बाद भी निकाल सकते हैं। अब क्योंकि हमारा मीठा रंग का पौधा काफ़ी स्ट्रॉन्ग पौधा होता है तो आप इसको कल भी निकालेंगे तो भी चल जाएगा। अब मीठे रंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि क्योंकि हम उसको खाते हैं तो हम इसमें ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर सकते, हम इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। और आप हर 15 से 20 दिन में अगर ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसमें डालते रहिए क्योंकि ये पत्तेदार पौधा है तो इसमें बहुत ज़्यादा पत्ते निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप इसको रेगुलर फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो फिर ये क्या होगा, सूखते जाएगा। और कोशिश करिए कि बीच बीच में आप इसमें समय से पहले जैसे कि हर 20 दिन के बाद या हर एक महीने के बाद आप इसमें क्या डालिए, स्प्रे कर दिए, क्योंकि हम इसको खाते हैं तो इसमें आप केमिकल स्प्रे भी यूज़ नहीं कर सकते इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड। इसके लिए आप क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड भी यूज़ करते हैं, जैसे कि नीम ऑयल, नीम ऑयल को जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहता है इसको डाइल्यूट करके स्प्रे कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा करेगा इसको हर प्रकार के फंगस से, पेस्ट से, इंसेक्ट से करेगा बचा के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एट द फूडी गार्डनर, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी मेरे जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं उनके बारे में। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर कोई अच्छी चीज नहीं लग रहा होगा तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए। और हाँ प्लीज प्रेस द बेल आइकन टू गेट फर्दर अपडेट्स। और थैंक यू सो मच, कीप गार्डनिंग।